राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं चुगल किशोरी। कल हमने आपको बताया था कि बापूजी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। डॉक्टर ने तो जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने के लिए कह दिया है। वहीं अक्सरा को बिरला हाउस पहुंचते ही बड़ा झटका लगने वाला है। अरे भाई, नई बहुरिया के स्वागत में बिरला परिवार से कोई रुका ही नहीं। गजब कर दिया भाई बिरला परिवार वालों ने। तो पहले विस्तार में हम बापूजी की तबीयत को लेकर आपको पूरी बात बताते हैं। सा हाउस में तो बापूजी अड़ गए हैं। पहले शादी, फिर ऑपरेशन। सभी लोग बापूजी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो जहरीली राखी ने भी बापूजी की तबीयत को लेकर चिंता जताई है। कह रही थी कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। वहीं हमारे अनुपमा सारा दोष अपने सिर ले रही है। बेचारी को लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। शादी के चक्कर में बापूजी का ध्यान ही नहीं रख पाई। लेकिन अनुज उसको समझा रहा है कि हर चीज का दोष खुद पर ना ले। जहाँ शादी के लिए 26 साल इंतजार किया, वहाँ थोड़ा और कर लेंगे। बात तो सही है, लेकिन बापूजी तो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए अनुपमा शादी को टालने की बात कह रही है। एक तो वैसे ही अनुज अनुपमा की शादी की रस्मों में इतनी समस्याएं आई, अब बापूजी की तबीयत भगवान ने क्या ही लिखा है, बहुत परेशानी झेल रहे हैं बेचारे अपने जीवन में। वहीं अक्सरा और अभिमन्यु की शादी तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन बिरला हाउस पहुंचकर नई दुल्हनिया अक्सु को बड़ा झटका लगेगा। अरे, अक्सु के स्वागत के लिए बिरला परिवार का कोई सदस्य मौजूद ही नहीं था। सभी सफेद कोट पहनकर अस्पताल रवाना हो गए। घर में रहे सिर्फ मंजरी और नील, दोनों माँ बेटे ने मिलकर अभी अक्सरा का स्वागत किया। बाकी सब गायब थे। अक्सरा को इस बात का बहुत बुरा तो लगा, लेकिन अभिमन्यु के समझाने पर बेचारी समझ गई। लेकिन जो करण है ना, वो तो भाई समझने को तैयार ही नहीं है। प्रीता को छोड़कर नताशा के पीछे लगा हुआ है, मानो नताशा तो कोई देवी हो गई हो। करण ने प्रीता को अपनी गाड़ी तक में बैठाने से मना कर दिया। बोला, अरे मेरी गाड़ी में तो जगह ही नहीं है। एक बार भी नहीं पूछा कि बेचारी को चोट कैसे लगी। बेचारी प्रीता ऐसी बेरुखी को देखकर टूट गई है। करण के लिए एक तरफ खुश तो है, लेकिन उदास भी है। वहीं नताशा करण के दिमाग में जहर घोल रही है। अब देखो करण को कब सच्चाई का पता चलेगा, कब तक प्रीता बेचारी ऐसी ही उदास रहने वाली है। भगवान प्रीता की खुशियां लौटा दे बस। दोस्तों, आप लोग भी प्रीता के लिए प्रार्थना कीजिए कि दोनों का संसार बस जाए। कल आपसे फिर हम मोहल्ले भर की खबर लेके मिलेंगे। राम राम जी।